विदिशा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस के लगभग 1000 कार्यकर्ता हुए भाजपा में शामिल। पूर्व विधायक शशांक भार्गव के निवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने भाजपा का दामन थामा है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही शशांक भार्गव ने भी भाजपा की सदस्यता ली थी और उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि भाजपा के कुनबे को बढ़ाने के लिए कांग्रेस के अन्य सदस्य भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आज शशांक भार्गव के निवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, विदिशा विधायक मुकेश टंडन, भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन, साधना सिंह चौहान सहित अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में 1000 कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शशांक भार्गव विदिशा कांग्रेस का पर्याय रहे हैं। नरेंद्र मोदी की नीति और विकास से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। हम सब मिलकर विदिशा के विकास के लिए काम करेंगे। पार्टी के परिवार में अपने साथियों सहित आए हैं, मैं उनका और उनकी पूरी टीम का हृदय से स्वागत करता हूं। उनका भारतीय जनता पार्टी में आना पार्टी को नई ताकत और देगा और सबका साथ सबका विकास और देश को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान करेंगे। आज जो सैकड़ों साथी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं उनका हृदय से स्वागत। कांग्रेस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी में देखिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। कांग्रेस आज अप्रासंगिक हो गई है, उनके पास ना नीति है, ना नियत है और ना नेता है, ना नेतृत्व है। और इसलिए विचारवान लोग जैसे शशांक जी, उनके पहले सुरेश पचौरी जी, वो भारतीय जनता पार्टी अपने देश की सेवा के लिए और जनता के कल्याण के लिए ग्रहण कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी लगातार बोलते आ रहे हैं जो लोगों को धंधा करना है, दलाली करना है, वही लोग बीजेपी में जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब कुछ नहीं बचता तो वो ऊटपटांग बातें करते रहते हैं।